नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RPF के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। कुछ 19 तारीख वाले बच्चे आज जो है घर पहुँचे हैं, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपना कुछ बताया है, तो उनका पूरा आप लोगों को अंत तक सुनना है। ये एक्सपीरियंस वीडियो का 35 मीन्स 35वां पार्ट है। इससे पहले जो है 34 पार्ट में करवा चुका हूँ। प्रत्येक बच्चे का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हर बच्चे का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आपका टेट टेस्ट नहीं हुआ है तो प्रत्येक एक्सपीरियंस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, भले ही आपका उस स्टेट से कोई संबंध हो या ना हो। यदि आप कुछ इसमें हित समझते हो तो प्रत्येक को अंत तक सुनिएगा। साथ ही साथ मैं सूचित करना चाहूँगा, मेरे मेन चैनल के नीचे RPF टेट टेस्ट नाम से मैंने चैनल क्रिएट किया है, उसी चैनल पर आगे से आप लोगों को वीडियो उपलब्ध होंगी। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है, इस पर हम सभी जो है एकेडमिक क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमने जो BK सिंह सर हैं, उनकी क्लास आप लोगों के लिए चैनल पर डाली रखी है, तो उसको एक बार देखना जरूर है। यदि आप लोग दिल्ली के टीचर से हमारा टाई अप हुआ है, यदि आप लोग पसंद नहीं करते उनको, हमें फीडबैक मिलना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि वो पढ़ाएँ, तो आप लोगों को उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, यस सर मतलब चाहिए इस प्रकार से। यदि नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, उसको लेकिन देखिएगा एक बार जरूर। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि फैकल्टी है काफ़ी महंगी है, और यदि आप इससे पढ़ना चाहते हो तो आप उनके बारे में बताना जरूर। ओके, और रही RPF की बात, तो मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट कीजिए। उन सर का फीडबैक जरूर दीजिए, उनसे आपको पढ़ना है कि नहीं। दिल्ली की फैकल्टी, आप दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन फैकल्टी हमारे चैनल पर आ सकती है। तो उनका वीडियो जो कल रात में हमने डाला था, रेशियो प्रोपोर्शनल का पहला पार्ट डाला है, तो उसको आप देखिएगा और बताइए किस प्रकार का है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर विजिट जरूर करना उनके लिए। ओके, इन भाई का एक्सपीरियंस पूरा अंत तक भी सुनिएगा, ये भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका RPF से रिलेटेड है, तो आप लोगों को यही अभी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उसमें भी आप हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी बोल रहा हूँ। हेलो सर, थोड़ा मंदिर से दूर हो जाइए सर, थोड़ा सा सर दूर हो जाइए सर। हेलो, हाँ जी, बस हाँ, थोड़ा सा और भी दूर जाते रहिएगा सर। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। सॉरी, MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आपका ट्रेड टेस्ट हो गया सर? हाँ, मेरा ट्रेड टेस्ट आज के डेट में ही था, नासिक में। तो आज का डेट मतलब क्या तारीख बताइए सर? 19 अगस्त को था ना, मतलब आज। बताइएगा सर, आप अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए सर, क्या क्या, किस प्रकार से क्या क्या हुआ सर? हाँ, अभी तो वहाँ पे 5:30 बजे बुला लिए थे, तो हम लोग पहुँच गए थे टाइम पे। फिर उधर अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देख के एंट्री कर लिए, फिर अंदर लेके गए लाइन में बैठा के। कुछ समय बाद फिर टेस्ट का मौका मिला, तो उधर गए, तो मतलब रोटी वगैरह बनवाने के लिए बोले थे सर। और एक्चुअली कुछ लड़कों को तो मतलब ऐसे ही बनवा रहे थे, आटा गुथा हुआ था, लेकिन जिसका मतलब जिसके टाइम पे खत्म हो जाता था तो वो पहुंचता था, तो उसको आटा भी गुथना पड़ता था, 5 रोटी का, बाकी 1 रोटी बनानी थी। हेलो, हाँ, बोलिए सर। हाँ, बाकी 1 रोटी बनानी थी। रोटी की क्वालिटी जो होनी चाहिए एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ सर। और जैसे वो काफी गोल होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं, जो होती है मीडियम में, अधिकतर होटलों वगैरह में पार्टियों में खाने के लिए मिलती है। हाँ सर। तो और आपकी रोटी जितनी भी जितनी गोल हो और जितना ज्यादा फूली हो, अच्छे से पकी हो, तो समझ लो सिलेक्शन पक्का है। तो आपका मतलब आज ट्रेड टेस्ट जो वाटर कैरियर का था ना सर? सॉरी, हाँ, वाटर कैरियर का था मेरा। हाँ सर, वाटर कैरियर का था, वैसे मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ। तो ये रोटी मेरी काफी अच्छी थी, देख के ही सर बोले कि हाँ रोटी काफी अच्छी है, और कर लिए। सर थोड़ा तेज बोलिए सर। एक्चुअली जैसे वहाँ पे देने के बाद तो जैसे 8-10 बजे तक मेरा हो गया था ट्रेड टेस्ट। 10 बजे तक टेस्ट देने के बाद वो वहाँ पे बैठाए हुए थे ग्राउंड में, फिर बोले कि नहीं 2 बजे तक रिजल्ट आएगा। 2 बजे तक जिसका सिलेक्शन हो चुका था उसको आए सर, मतलब नंबर दिए थे, नंबरिंग 1, 2, 3 करके। तो जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ था उसका नंबर बोल रहे थे, उसको एक जगह
इकट्ठा करके बाकी जितने लोग बचे उनको सब भेज दिए। फिर उसके बाद वहां से लेके गए रूम में, वहां बैठा बैठा है। फिर क्या हुआ कि वहां पे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब फाइल वगैरह दिए, तो उसमें सब अपना डॉक्यूमेंट सब फाइल के रूप में सबमिट कर लिए हम लोग। प्री पोर्शन सॉरी, मतलब सर क्लियर नहीं हो रहा है सर, जो है प्री पोर्शन। नहीं वो जैसे मैं हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर लिए वहां पे एक फाइल में। फाइल में सबमिट करने के बाद कुछ टाइम बैठे थे, फिर वहां पे लेके गए सर के पास। वहां पे डॉक्यूमेंट हम लोगों का चेक हुआ, तो हाँ जिसमें डॉक्यूमेंट जो था वो मेनली हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट और निवास और जाति ये चेक कर रहे थे। बाकी आपके पास कोई भी डिग्री हो उसको लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं था। बाकी ये चार चीजें मैंडेटरी था कि होना ही चाहिए। कौन कौन सी, सब दोबारा बताइए सर एक बार। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हाँ और निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। सर एक बार सर आप जैसे कि अंदर घुसे तो सर उसके बारे में थोड़ा एक बार और दोबारा बता दीजिए सर, क्योंकि एकदम क्लियर से सर मुझे भी समझ नहीं आया, आपने इतना फास्ट बता दिया कि अंदर घुसे कुछ टफ नहीं था, मतलब क्या क्या हुआ वो सब कुछ आपको बताना है सर। नहीं देखो जैसे कि वही 5:30 बजे जब मुझे हम लोगों को अंदर एंट्री दिए वो लोग, हाँ तो लेके गए बैठाए। फिर वहां पे कुछ लोग आते थे, इंस्ट्रक्शन भी देते थे कि देखो आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, आप जितना ही अच्छा बनाओगे। मतलब वहाँ के जो स्टाफ थे वो सब काफी मोटिवेट कर रहे थे हम लोगों को, हाँ ऐसा मतलब फील करवा रहे थे कि हमें डर ना लगे और हम लोग जाके वहां पे डिमोटिवेट ना हो, जबकि अपना पूरा हमारा रेस्ट जो है उसको करके दिखाएं। तो वो लोग बताते थे वहां घबराइएगा मत, थोड़ा टाइम जो दे रहे हैं उससे ज्यादा भी ले लोगे तो चलेगा, हाँ लेकिन जैसे 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं तो आप 6 मिनट लगा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ आपकी रोटी की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। हाँ सर तो फिर वहां पे जब लेके गए तो बैच वाइज मतलब बैच एक दो ऐसे करके बैठाए थे, तो हम लोगों का बैच नंबर 2 में था। तो लगभग 10 बजे तक हमारा नंबर आया, तो अंदर लेके गए। फिर वहां पे जो तवा वगैरह था वो एल्युमिनियम का था, काफी अच्छा था। थोड़ा प्रॉब्लम लड़कों को होगी क्योंकि हम लोग तो अपने जनरली जो गैस का चूल्हा होता है घर पे उसमें बनाते हैं। वहां पे जो चूल्हा था वो जैसे चाय बनाते नहीं, वो जो ज्यादा मतलब पूरी एक जगह से उसकी वो लौ निकलती है आग, हाँ तो उसकी आंच काफी तगड़ी थी। तो हाँ सर उसमें जैसे बहुत अच्छे से बनाने वाले भी एक बार रोटी जला सकते हैं, क्योंकि उस पे बनाने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो उसमें थोड़ा सा तेज करने पे वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता था। फिर रोटी जैसे ही पक जाती थी उसके बाद एक जाली टाइप का दिए थे हैंड में पकड़ के, उसके रोटी रख के फुलाने के लिए। आप अगर आपकी मर्जी हो तो आप तवे पे भी फुला सकते हैं, ऐसा था। हाँ नहीं तो आप तवे को नीचे रख दीजिए, उस जाली पे रोटी को रखिए और उसको फुलाइए। मीन्स उसका इंस्ट्रूमेंट बताइए, मतलब किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें वहां पर थी सर। इंस्ट्रूमेंट में जैसे एक पकड़ था वो तवे को उतारने के लिए, क्योंकि तवे में हैंडल नहीं था, उस पकड़ से पकड़ के तवे को नीचे उतारते थे। और एक जाली नुमा हैंडल, जाली था उसमें हैंडल लगा था जिसपे रोटी रख के फुलाना था। हाँ वो सर आपकी मर्जी थी कि आप उसपे जाली पे फुलाते हैं या तवे पे ही फुलाते हैं, क्योंकि तवे पे जनरली काफी अच्छी रोटी मतलब बहुत कम ही लोग फुला पाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो। नहीं हाँ तो वैसे उस पे फुलाने पे आसानी रहती है, पूरी तरह से रोटी फूल भी जाती है। हाँ सर और जो सिलेक्शन हुआ वहां बंदों का, 500 लड़के आए थे आज के डेट में, हाँ और उसमें से 60 लड़के सिर्फ क्वालिफाई हुए, बाकी सबको डिस्क्वालीफाई करके भेज दिया गया। मतलब 500 में से 60 का क्वालिफाई हुआ है, जी, फिर भी सर ये रेशियो काफी अच्छा है, मैं ऐसा मानता हूँ सर। हाँ रेशियो तो अच्छा ही है क्योंकि सीट काफी कम है, हिसाब से तो रेशियो अच्छा ही है, वही 10-11-12% है। हाँ हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि मतलब जो है फिर भी काफी अच्छा है मतलब। तो हाँ और जो आपका निवास और जाति होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय निवास जाति जो है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं हाँ लेके गया था तो उधर मुझे जैसे इससे पहले पता था कि हमारे जो जाति और निवास होती है वो 3 साल वैलिड होती है सेंट्रल हाँ का, तो मैं बनवा के नहीं गया था। तो वहां पे चेक किए, बोले कि अभी तो लेटेस्ट 1 साल के अंदर का चाहिए था, आप तो इतने दिन का लाए हो तो ये नहीं चलेगा, अगर आपका 2017 का भी होता तो चलता, मेरा 2016 का था। तो हाँ बोले ऐसा करो आप इसको मैच
चेक कर लेता हूँ आपका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह है। बाकी ये निवास और जाति आप आके 28 दिन के अंदर सबमिट कर दीजिएगा। इसके लिए अभी तो वहाँ जैसे चल रहा था ट्रेड टेस्ट, तो वहीं पे जमा कर ले रहे थे। अभी आज लास्ट डेट था वहाँ पे ट्रेड टेस्ट का हाँ नासिक में, तो बोले अब आपको आपके साइट पे विजिट करिएगा जो आरपीएफ के है, वहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा कि कहाँ पे ये जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो आपके पूछे हुए हैं, और तो उसको अब भाई अभी बनवाना पड़ेगा। और तो मैं भाइयों से यही बताना चाहूंगा कि वो अगर जिनका नहीं बना है वो अभी सबमिट मतलब बनवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों का मतलब कहीं कहीं होता है कि 2-4 दिन में ही बनवा लेते हैं। कहीं कहीं हाँ अभी हम हमारे साइड में जौनपुर का हूँ उत्तर प्रदेश, हाँ तो वहां पे तो 15-16 दिन लग जाते हैं मिनिमम, बनवाने में। मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम तो और ज्यादा लग जाते हैं। हाँ सर, हाँ जैसे मैनुअली काम करे तो बहुत जल्द, मैनुअली मतलब खुद जाके हर अधिकारी से साइन वगैरह करवाए तो लगभग 8-9 दिन में बनता है वो, और वैसे अगर जनरली छोड़ दे तो मिनिमम 15 दिन तो लगता ही। तो आपका सर मतलब आज आरपीएफ का ट्रेड टेस्ट था, कहाँ से? नासिक से। नासिक से था, सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। और सर आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ सिलेक्शन हो गया है। हाँ अब सर कुछ बच्चों के क्वेश्चन है वो सर मैं आपसे पूछूं सर एक एक हाँ करके। हाँ जी जरूर जरूर। सर जैसे कि एक बंदे ने मेरे से पूछा था सर कि मतलब वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सर आप एक बार इंस्ट्रूमेंट का पूरा एक बार पूरा फुल डिटेल मतलब बता दीजिए किस प्रकार से गैस चूल्हा क्या क्या है। हाँ जैसे कि अभी आप जैसे ही ट्रेड टेस्ट रूम में जाएंगे तो वहाँ पे टेबल पे जो है वो चूल्हा रखा रहेगा, और चूल्हा जो है वो ये मतलब जनरली जो हम लोग घर पे चूल्हा यूज करते हैं गैस हाँ सिलेंडर वाला, वो वाला चूल्हा नहीं रहता। वो हाँ चूल्हा जैसे शादी वगैरह में सब बनाते हैं खाना, जिसपे काफी ज्यादा उसमें मतलब एनर्जी होती है, वो काफी तेजी से जलता है, वो वाला चूल्हा यूज करते हैं। और जनरली आप जैसे शहरों में देखते हैं तो चाय बनाने वाले उसी चूल्हा का यूज करते हैं। ऐसा। हाँ वो वाला चूल्हा था। बाकी वहां पे बगल में ही रखा रहता था एक तवा जो एल्युमिनियम का था और मीडियम से थोड़ा बड़ा था, और एक जाली जिसपे आपको रोटी फुलानी है उसमें हैंडल लगा था, बाकी एक पकड़ और एक चिमटा जिससे आप रोटी को मतलब पलट सकते हैं पकड़ के, अगर आप हाथ से पकड़ना चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, कुछ लोग हाथ से भी कर लेते हैं, और नहीं तो आप चिमटे से पकड़ के करिए। फिर वहां पे जिस आप गए अगर वहां पे आटा पहले से गुथा है बचा हुआ है मतलब बंदे हर बंद, तो आपको नहीं गुथना पड़ेगा। अगर खत्म हो गया है तो आपको 5 बंदों मतलब 5 रोटी का आटा गुथना पड़ेगा। और एक आटा रोट काफी मतलब अच्छे से गुथेंगे तो रोटी भी अच्छी बन रही है। मतलब जैसे सर एक और बताइए सर, पहली शिफ्ट वालों ने आता है यदि गंदा गुदा, और अगली शिफ्ट वाले जो बंदे आएंगे उसको यदि जो है। उसमें देखिए ऐसा है ना, अगर आपको वहां पे आटा गुथा हुआ है वो थोड़ा गीला है या फिर थोड़ा टाइट है, तो आप अपने मर्जी के हिसाब से उसको उसमें आटा डाल के उसको टाइट कर सकते हैं, या फिर उसको और मतलब जब काफी टाइट है तो उसको ढीला करना है तो उसमें आप पानी मिला के खुद से 1-2 मिनट का समय लेके आप उसको कर सकते हैं। तो आप जब जैसे टाइम से ओवर हो जाएगा, 5 मिनट से 7 मिनट हो जाएगा, तो आप सर को बोल सकते हैं कि सर इसमें आटा जो था वो काफी गीला था, उसमें आटा मिला के मुझे और उसको टाइट करना पड़ा, या फिर वो टाइट था उसको गीला करना पड़ा थोड़ा, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, तो वो कर लेंगे सब मैंने। ऐसा हाँ ऐसा मींस इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे जो भी है स्टाफ वो सभी बंदों के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं वो मतलब छाटने के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेस अच्छा कर रहे हो तो आपको आप सिलेक्शन आप कर लेंगे। हाँ ऐसा जैसे 14 14 लोगों का बैच था, एक बार में 14 लोगों को भेजते थे ट्रेड टेस्ट अंदर रूम में, वहां पे 14 लोग टेबल पे था, वहां पे रोटियां बनाते थे, उसमें से 14 में से 2 लोग 3 लोग, 3 लोग तो मैक्सिमम 3-4 लोग कर लेते थे, नहीं तो मैक्सिमम 2 लोग। ऐसा मतलब उनका मर्जी है। नहीं ऐसा नहीं है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो ज्यादा भी रख सकते हैं। जैसे मैंने देखा एक दो बैच में तो बस 2 बंदे 3 बंदे जो अच्छा बहुत मतलब सबसे अच्छा जिनका था उन्हीं का सर। हाँ ये भी आपका कहना सही है। और सीट भी काफी कम है तो करना तो पड़ेगा, ऐसे ही नहीं करेंगे तो फिर ज्यादा बंदों को लेंगे, फिर बंदे क्या होंगे कि अभी टेस्ट दे दिए फिर में मेडिकल वेडिकल का भी प्रोसेस आएगा, बाद में छट जाएंगे तो निराश तो होना पड़ेगा, इससे पहले दौड़ भाग तो कम पड़ जाएगी जिसका पहले से बेकार है। उनको तो सबसे बेस्ट चुनना है, अगर हाँ ये भी सही है। सीट ज्यादा होती तो चल जाता किसी का भी। अभी वहां पे 56 55 56 नंबर लाने वाले भी छांट दिए जा रहे थे,
मतलब ये नहीं कि नहीं आप नंबर अच्छा लाए तो आपका और आपका सिलेक्शन होगा ही, ऐसा नहीं, आपका ट्रेड टेस्ट अच्छा होना चाहिए भले ही आपका नंबर कम। मतलब उसका कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब इफेक्ट हाँ करेगा। ये ऐसा नहीं कि नहीं आपका नंबर अच्छा है, अभी आपका 50 नंबर 55 नंबर है सीबीटी में, तो इसमें आपका 20 नंबर आया तो आपको रख लेंगे, बाद में मेरिट बनाएंगे तो आपका उसमें नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं है हाँ ये भी उसमें। सही है। हाँ उसमें जिन जिनका है मतलब 35 नंबर 40 नंबर भी है उनको भी, अगर उनका टेट टेस्ट अच्छा है तो उनको रख ले रहे हैं, बाकी 56-57 नंबर वालों को वो पहले से ही बाहर कर दे रहे हैं। चलो वैसे तो ऐसा कोई मतलब आप बता रहे हो तो ठीक है सर। नहीं ये कुछ बंदे थे ऐसे जो जिनका जैसे होता है, अभी हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि नहीं हमारे 55 नंबर इसमें है, टेस्ट में 20 नंबर या 22 नंबर या 25 नंबर आ जाएगा तो मेरा 75-80 पहुंच जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले ही छांट दे रहे हैं, तो उसमें 20 नंबर पाने पे भी कुछ नहीं, उसमें मतलब कुछ बता ही नहीं रहे कि नहीं कितना नंबर भी आपको दिया गया है या किस आपको जो मिनिमम मार्क है उससे कम आप लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि उस किस किस को रख रहे हैं किसको नहीं रख रहे। मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो अपन नहीं कह सकते। अब फिर भी बहुत मतलब हेल्पफुल आप तो बता रहे हो। और कुछ बच्चे क्या मोटिवेट होते हैं, कुछ इस प्रकार का बताइए जिससे वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो। क्योंकि अपना वीडियो देख करके बहुत बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब अच्छा भी पड़ रहा है, कुछ बच्चों पे गलत भी पड़ रहा है, समझ रहे हो मैं आप। देखिए मैंने तो आपका वीडियो देखा नहीं था, सुबह में मतलब वहां सेंटर पे पहुंचने से पहले मैं वहां पे बाहर गेट पे खड़ा था तो ऐसे मोबाइल में कर रहा था तो देख लिया आपका, तो एक दो लोगों का मतलब सुना मैंने, तो मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ यार मतलब क्या करना है। हाँ मतलब एक दो लोगों का उस चैनल पर ही सुन लिया मतलब। वहां पे मतलब आधा घंटे पहले मैं मतलब अंदर जाने से पहले वो आपका चालू किया, मतलब वैसे ये YouTube चला रहा था उसमें आ गया हूँ फ्रंट पे तो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि नहीं हाँ ऐसा करना पड़ रहा है, उसमें काफी मोटिवेशन भी मिला मुझे कि नहीं हाँ यार मतलब जो डर था अंदर से गायब हो गया कि नहीं हाँ ये अभी मुझे यही सब करना पड़ेगा। हाँ मतलब नॉर्मल ही है, लेकिन क्या है इसीलिए तो अपन वीडियो बनाते हैं जिससे क्या है बच्चों का डर दूर हो जाए। नहीं आपका जो ये प्रोसेस है काफी अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए मैंने भी कॉल किया कि नहीं मैं भी अपना एक्सपीरियंस दे दूं कि काफी लोगों को हेल्प मिले। और जैसे वहां पे एक बात खास थी कि जैसे आप रोटी बना रहे हैं, रोटी बना लिया आपने पहले तो हल्का पकाया हो फर्स्ट साइड वाला, फिर उसको पलटे दूसरे साइड वाला थोड़ा अच्छे से पकाए, फिर जब उसको फुलाते हैं उस जाली पे रख तो उसको ऑटोमेटिक नीचे नहीं करना हमें, अगर आप नीचे किए तो समझ लीजिए आप कितना भी अच्छे रोटी बनाते हैं आपकी रोटी जल ही जाएगी, आप उसको आग से काफी दूर मतलब जहां वो चूल्हा जल रहा है उससे लगभग 8-9 8 इंच 7 इंच ऊपर ही रखिए, तो आपकी रोटी अच्छे से फूले भी और जलेगी भी। अब ये भी सही है। क्योंकि इसमें मैंने काफी लड़कों का देखा वो डायरेक्ट नीचे कर दे रहे थे, नीचे करने पे हमें समझ में नहीं आता नीचे जल रहा है क्या हो रहा है, और मीन्स वो तो तभी पता चलेगा तब क्या होगा क्या नहीं होगा हाँ जब जो फाइनल होके आ जाएगा। मतलब आज जो आपका टेट टेस्ट था उसमें क्या है कि आपको कोई कुछ स्पेशल नहीं दिया गया। अब इस प्रकार से मैं वीडियो ले रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को पता है मतलब कुछ उनके क्वेश्चंस रहते हैं, उसी हिसाब से आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिए। और भी कुछ आप बोलना चाहते हो उनके लिए मतलब। नहीं मेरा तो सबको यही बताना है कि वहां पे जाके हमें डरना नहीं है, हमें मतलब नॉर्मली हो के हमारा हो या ना हो अपना बेस्ट करना है, अगर आप अपना बेस्ट करोगे तो हो सकता है, अगर आप वहां डरोगे तो आप अच्छा घर पे कर लेते हो लेकिन वहां पे आप अच्छा नहीं कर पाओगे, अगर आप डर गए तो हमें वहां डरना नहीं, सबसे बड़ी बात यह है अगर आप वहां डरे तो आप भले ही घर पे आपको 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो, आप बना मतलब कहीं किसी शहर में रहते हो तैयारी करते हो वहाँ खाना रोज बनाते हो रोज रोटी बनाते हो, तो हो जाएगा सिलेक्शन आसानी से मतलब। हाँ अगर आप अच्छा कर दिए तो सिलेक्शन पक्का है। ये भी आपका कहना बिल्कुल ही सही है सर। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते नहीं सर, सर जो है हमारे सिर्फ मोस्ट ऑफ क्या है कि डेली अपडेटेड मतलब लगातार आ रहे हैं ना, इस कारण से जो है
मतलब इस कारण से मैं पर डे बना रहा हूँ कि जैसे बच्चों का कोई मोटिवेट मतलब कोई डिमोटिवेट ना हो। बच्चे हर दिन की खबर यदि उनको लगती रहेगी तो आज का क्या है, आज का क्या है, ऐसे क्या है। बच्चे यदि जाते हैं फिर भी मतलब नॉर्मल वैसे जनरली आके वैसे बता भी दे रहे हैं वो आके, जो मुझे लगता है कि वो लोग मतलब वाटर कैरियर में पहले से जॉब कर रहे हैं वो लोग आके बताते हैं कि नहीं आपको ऐसे ऐसा करना है और आप ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आप वहाँ आके डरिएगा मत, हम लोग वहाँ पे रहेंगे और ज्यादा इधर मतलब ये नहीं कि नहीं पड़ोस वाला बंदा आपका अच्छे से कर रहा है तो आप उसको देखकर डिमोटिवेट हो जाओ, आप अपने पे कंसंट्रेट करो। हाँ आप दूसरे का देखोगे तो हो सकता है, होता है कुछ, कभी कोई होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो काफी बेहतर करता है तो उसको देख के डिमोटिवेट हो जाता हाँ बस यही है। है। और ज्यादा टाइम भी नहीं है, 5 मिनट आपको अपने पे कंसंट्रेट करना है उसके बाद। 5 मिनट तो आसानी से कंसंट्रेट किया जा सकता है। और कुछ सर, आज का क्या है कि सर आप जो वहां से हो, आज का सिर्फ एक ही वीडियो आया है, आप ही का बस मात्र आया है, क्योंकि वहां से जो बंदे आ रहे हैं आप, कुछ लोग क्या है कि मतलब जो है बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। जैसे मेरा अभी दिल्ली पे जाना कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि दिल्ली के बंदे के आप लोग देख रहे होंगे सर, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दिल्ली की। अभी नासिक की बात करूँ तो अभी नासिक का लास्ट मेरा 25 से 30 वीडियो जो है नासिक का ही था। लास्ट 7-8 वीडियो जो है अपना उसका दिल्ली का है। तो आप अच्छा जो है रेगुलर दे रहे हो तो इससे भी बहुत फायदा होगा बच्चों को, है कि नहीं? हाँ जी हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने अपना कीमती समय निकाला और बच्चों को दिया। सर आपका जी सिलेक्शन हो गया ना सर? हाँ सिलेक्शन हो गया, अभी देखिए मेरिट बनेगी उसमें, नाम आए या ना आए वो तो बात की बात है, तो मेरिट किस आधार पे बनाएंगे कितना बनेगी वो तो अभी नंबर वो कुछ पता नहीं किसी को। बाकी जो प्रोसेस है अब हमने अपना बेस्ट कर दिया है, बाकी अब मेरिट बनने के बाद क्या होता है वो तो वही पता आने के बाद ही लगेगा पता चलेगा। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि आप अपना इसी नंबर पे, मेरा यही पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है सर, आप यदि इसी नंबर पे आप मुझे अपना एक फोटो भेज सको तो सर भेज दीजिएगा, जैसे वीडियो में सर हेल्पफुल रहेगा। जी जी जरूर भेज देते हैं। जल्द से जल्द भेजना सर, क्योंकि विदिन 20 मिनट ये वीडियो अपलोड हो जाएगी सर, जस्ट अभी भेजना सर। जी जी तुरंत भेज देते हैं। भेज दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी थैंक यू।